तो चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं 6 मई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस और हरियाणा की न्यूज। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा की नई पॉलिसी के तहत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग में रह रहे अनाथ आलय के बच्चों को कितने रुपए प्रतिमा अधिक मदद मिले? तो ये मिलेगी 1400 रुपए प्रतिमा की आर्थिक मदद। अब हरियाणा में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 491 आंगनबाड़ी केंद्र को। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल पर ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद है, हरियाणा सरकार के द्वारा बहादुरगढ़ में लोगों के घर तक सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सी मुहिम शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है महारी दुकान। हरियाणा में कोरोना वायरस के चलते प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए पहली श्रमिक ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये चलाई गई हिसार से कटिहार तक। यह ट्रेन 6 मई 2020 को 1200 श्रमिकों को लेकर चली है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने कोविड 19 के चलते प्रदेश के सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में कितनी डायलिसिस मशीनों को रिजर्व किया है? तो ये किया है 2-2 मशीनों को। हरियाणा में वर्तमान में कितने कोविड 19 अस्पताल हैं? तो ये हैं टोटल 11 अस्पताल। तो ये थे आज के हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं आज के हरियाणा की न्यूज। आज हरियाणा में कोरोना वायरस के केवल 7 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना वायरस से 289 मरीज एक्टिव हैं और 260 ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ से कैबिनेट मीटिंग, हरियाणा में शराब के ठेके खोलने की इजाजत। सरकार ने अंग्रेजी सरकार पर कोरोना सेस लगाया, बुधवार सुबह 7 से 12 घंटे खुलेंगे ठेके। रोजाना सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे तहसील कार्यालय, एक दिन में होंगी 45 रजिस्ट्री। आज शाम 7 से सुबह 7 तक लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हो रही है कार्रवाई, कहीं उठक बैठक तो कहीं डंडा परेड। प्रदेश भर में पुलिस दिन में भी सोशल डिस्टेंसिंग व कम से कम घरों से निकलने की गुजारिश कर रही है। कोरोना रिलीफ फंड संकट की घड़ी में 832 धरती पुत्रों ने किया 20.63 लाख रुपए का दान। हरियाणा में कोरोना 2 दिन में 100 नए केस सामने आए हैं। खानपुर पीजीआई के 4 कर्मचारियों समेत सोनीपत जिले में आज 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आईसीएमआर से मिली अनुमति, पीजीआई चंडीगढ़ में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हुआ है। इस्तीफा देने वाली आईएएस अफसर रानी नागर 14 दिन के एकांतवास में। हरियाणा में सियासी घमासान, अब तक प्रदेश में 48.4 लाख टन से अधिक गेहूं की आवक। पानीपत से कोरोना वायरस इफेक्टेड, पानीपत में कोरोना वायरस पॉजिटिव वाले क्षेत्र सील, हर घर में लोगों की होगी स्क्रीनिंग। हिसार से गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने मंगलवार को दाखिला प्रक्रिया के लिए स्थापित किए गए ऑनलाइन पोर्टल का किया शुभारंभ। सोनीपत से मेडिकल कॉलेज के स्टाफ नर्स, 2 स्वीपर और चतुर्थ श्रेणी कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना संक्रमण को रोकने को बॉर्डर पर जारी रहेगी पाबंदी। मंगलवार को डीसी डॉक्टर असंज सिंह व एएसपी जगदीप सिंह रद्धावा ने कुंडली बॉर्डर का निरीक्षण कर बॉर्डर को सील ही रहने के आदेश दिए हैं। सिरसा से प्रशासन का फैसला, प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए ऑनलाइन पास बनवाने हेतु स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट करवानी होगी अपलोड। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना, निर्देशों का पालन न करने पर दुकान खोलने की अनुमति होगी रद्द। रोहतक से यूक्रेन गए 43 छात्रों से दूतावास ने भरवाया 20 कॉलम का फार्म, 7 सिटीजन भी फंसे हुए हैं। रेवाड़ी से आरोग्य सेतु ऐप ने 2 किलोमीटर क्षेत्र में दिखाया कोरोना पॉजिटिव, दिन भर रही चर्चा। शाम को प्रशासन ने कहा जिला में नहीं है कोई कोरोना पॉजिटिव, अफवाहों पर ध्यान न दें। यमुनानगर से जिला प्रशासन ने कोरोना बचाव को लेकर जिला बोर्ड पर ही शुरू की ट्रेनिंग। तो ये थे दोस्तों आज की हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, मैं आपके लिए डेली हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमारे
हरियाणा जीके से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।